अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अभी भाई पहले हम काम पर थे, काम से छुट्टी कर ली है। ये हमारे साथ कल है, हेलो करो ब्रो। वाजिद भाई हैं, उमेर है, तो हाथ मुँह धो रहे हैं भाई। इतनी शदीद गर्मी है तो रोज़ा भाई, इतनी सख्त भूख लगी हुई है आपको बता नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल हम मोटरवे पे आ रहे हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको ठीक तरह ना सुन सके, अच्छी तरह ना आए, क्योंकि बैक साइड पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, हो सकता है उनकी शोर की वजह से आपको मेरी बात की समझ ना आए। तो सीन कुछ इस तरह के हैं, ये बैक साइड पर पहाड़ हैं भाई, ऊपर जैतून या ओलिवे के दरख्त लगे हुए हैं जो इटली का पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सबसे ज़्यादा यूरोप में पाया जाता है, जर्मन में, यूनान और इटली में। उमेर साहब अक्सरियत शर्मा जाते हैं जब कैमरे के सामने आते हैं। मैं को नहीं धोना, तुम भी भाई दो। ओके जी, असि हम चलते हैं फिलहाल, अभी हम जा रहे हैं घर, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद घर में फ्रेश होकर। अभी मैं जा रहा हूँ चैंत्रो में, जो हमारे शहर का सेंटर है। वहाँ पर ये मोहम्मद मूसा के कुछ कपड़े हैं, वो उमेर को देने हैं। और हो सकता है अगर शॉप खुली हो कटंग वाली, तो मैंने भाई वकास से कटंग करवानी है, क्योंकि एक तीर दोष कार वहाँ पर कपड़े भी देने हैं, तो फिर बाल भी कटवा लेते हैं, कटवाने वाले हो गए, क्योंकि पता है कल या परसों ईद भी है। तो अभी मैं फ्री हूँ तो चलता हूँ और कटिंग वगैरह कराते हैं। तो वैसे गर्मी आज भी बहुत है, मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से रमज़ान और मुबारक का महीना गुजर चुका है, एक दो दिन ही रहते हैं। तो आज 29वां रोज़ है, कल इंशाल्लाह 30वां होगा। तो चलो फिर चलते हैं भाई सेंटर की तरफ, बाल कटवाते हैं। है जनाब अली इधर पबजी खेलता पिया है, कटिंग कराने के दौरान पबजी नहीं छुड़ी सकती। विकास साहब कोई बयान थोड़े दे बारे च। पबजी बच्चे ने की है ना ना सकने है। ए देख लो पबजी जेड़ा नहीं वाम भाई खराब कर छड़ी है निका सारा बच्चा है। ए देख लो अगले दाड़े कुर्सी तक ना जाऊंगा ताकि कुर्सी बताओ। पबजी नहीं छुड़ी थी, पबजी नहीं छुड़ी। ए हालत है, ए हालत ये पबजी जल्दी बड़ियां कर देंगे। नवीन ने जरा ना लाइक भी कराया तो फॉलो भी कराया।
भाई जान बाल मैंने कटवा लिए आप देख सकते हैं। तो अभी वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, तो घर चलते हैं। अभी टाइम हो चुका है 2:30, तो उसके बाद एक दो और काम है वो मैंने करने हैं, उसके बाद फिर फ्री। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, तो भाई जवेद आ रहे हैं। भाई जवेद का भी जो फरगोन है, जो दूसरी गाड़ी है वो लेने जानी है, वर्कशॉप पर दी हुई थी, उसका ऑयल वगैरह चेंज करवाया है। तो अभी भाई कह रहे हैं कि वो रेडी हो चुकी है, उन्होंने कॉल की है, अभी लेने के लिए वो जा रहे हैं। तो सीन कुछ इस तरह की है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, इतनी शदीद गर्मी है, जवेद साहब पता नहीं कहाँ गए हैं, कह रहे हैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो देखती हैं, सामने धूप है, तो मैंने ये ब्लू कलर का पैनल लगा लिया है कि सूर्य ना, सूर्य की जो रोशनी है, जो धूप है ना, वो ना पड़े, क्योंकि उसकी वजह से गर्मी बनती है। तो ये मैंने पाकिस्तानी जुगाड़ लगाया है, पाकिस्तान कौम जिंदाबाद। भाई अभी वापस अपने घर पहुंच चुका हूं। बाहर भाई इतनी गर्मी है, 33 पे टेम्परेचर है, तो अभी पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो टाइम सेकंड हो चुके, 6 बज चुके हैं। अभी मैं भाई फिर बाहर निकल चुका हूँ। यार अभी मैं मोटरी चेक करने, अबू कह रहे थे कि मोटरी में ना जो मोटरसाइकिल है उसमें प्लग में, अबू कह रहे थे नया डाला है, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, तो एक ड्राइव में लेते हैं। तो अभी मैं देख सकते हैं जवेद साहब का हेलमेट उठाया है, चाबी, मास्क। अभी मोटरी चेक करते हैं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, अगर स्टार्ट हो गई तो फिर भाई एक ड्राइव लेते हैं, तो चेक करते हैं मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अच्छा वो मोटरी स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं वो पहले किक मारते रहे हैं ना, उसने ना तेल ओवर किया हुआ था, तो मैंने भी एक दो बार किकें मारी हैं, तेल ज़्यादा ओवर हो गया। मैंने कहा अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि जो तेल ओवर हुआ ऑटोमेटिक नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं घर आ गया था, सो गया था, अभी तो 8 हो चुके हैं, तो अफ्तारी का टाइम हो चुका है, तब कल फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज 29वां रोज़ा है, तो अभी मेरे मामू की कॉल आई है सऊदीया से, मैसेज आया व्हाट्सएप पे, तो वो कह रहे थे कि कल भी रोज़ा है सऊदीया में, कल 30वां रोज़ा है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी, मेरा दिल था 30 रोज़े हों, तो 2-3 साल से 29 रोज़े हो रहे थे, तो लास्ट साल का नहीं मुझे याद, मुझे लगता है 29 ही थे, तो इस बार 30 हैं, अल्लाह का शुक्र है, एक और रोज़ा मिला है, हम बहुत खुश नसीब हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, आप भी इफ्तारी करें अगर आपके पास टाइम हो चुका है तो।